कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 62 करोड़ 18 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ। हिस्सेस की मालियत 24 अरब 97 करोड़ रुपए से जायद थी। तफसील बता रही हैं आयशा अफरीन। कारोबारी दिन के आगाज से ही 100 इंडेक्स ने बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड किया। इंडेक्स ने 73,000 की सतह को बूर करते हुए मुल्क की तारीख का नया रिकॉर्ड बनाया। मौशी माहरीन का कहना है कि स्टॉक मार्केट में इजाफे की बड़ी वजह SIFC में मुल्की और गैर मुल्की कसीर सरमायाकारी है। इसके अलावा IMF से नए प्रोग्राम से मुतालिक मामलात भी जल्द तय पा जाएंगे। ओवरऑल सेंटीमेंट मार्केट के इंतहाई पॉजिटिव है। खासतौर पर अगर इकोनॉमिक की बात करें तो हमारी पाकिस्तानी इकॉनमी इंडिकेटर काफी पॉजिटिव साइड नजर आ रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस पे हमें नजर आया, फिर इसके बाद रेमिटेंसेस 3 अरब डॉलर के पास आ गए। आने वाले दिनों में काफी इंपॉर्टेंट इवेंट होने जा रहे हैं, खासतौर पे IMF के साथ हम एक लॉन्गर प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि फर्दर हेल्प आउट करेगा हमारी इकॉनमी में। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर करने में मदद मिलेगी। फिर इंटरनेशनल लैंडर अब लगता है कि पाकिस्तान में लैंडिंग करने के लिए तैयार हो गए। स्टॉक मार्केट में आज 62 करोड़ 18 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 24 अरब 97 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। स्टॉक मार्केट में 200 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 152 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 23 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। आयशा अफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।